नमस्कार। हेलो डॉक्टर के महा एपिसोड की श्रृंखला में आज तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने डॉक्टर शैलेश लोढ़ा से मधुमेह और मधुमेह जनित रोगों के बारे में बात की। उसके बाद प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश शुभ राय हमारे बीच आए। उन्होंने लिवर की बीमारियों को लेकर हमसे चर्चा की और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, सदियों से दशाब्दियों से कविताओं में, गीतों में, बातों में, प्रेम में हर वक्त जिसका जिक्र होता है, दिल। दिल देके देखो, दिल देके देखो, दिल देके देखो जी, दिल देने वालों दिल देना सीखो जी, और हर हाल में जिसने साथ दिया वो एक हमारा दिल ही तो है। पर ये दिल हर हाल में साथ नहीं देता, वो कभी कभी साथ छोड़ भी जाता है। इसलिए ये दिल का मामला है, कोई दिल लगी नहीं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जीएल शर्मा, देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आधा घंटे तक हम दिल से संबंधित रोगों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आधा घंटा आप लोग सवाल पूछ सकेंगे। किस नंबर पर सवाल पूछेंगे वो नंबर यहाँ नीचे दिए जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, ये दिल, लोग बार बार चर्चा में दिल में बस गया, दिल धड़कता है उसे देखकर, और पता नहीं दिल को लेके दिल सोचता है, जबकि सोचता तो दिमाग ही है, दिल तो सोचता भी नहीं है। बायोलॉजिकली जो दिल है वो दिल है जो बातों में, कविताओं में दिल नहीं है, और जो कविताओं में दिल है वो बायोलॉजिकल दिल नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल। हाँ जी, धन्यवाद अनिल जी, आपने जो सब्जेक्ट चूज किया आज बहुत ही काबिल तारीफ है, और जिस शायराना अंदाज से आपने दिल का वर्णन किया है, मैं समझता हूँ कि आपके दर्शक इसको बहुत लाइक करेंगे और A1 टीवी को साधुवाद देंगे। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद कि मेरे को आपने यहाँ पे आमंत्रित किया, और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट, दिल, हृदय, ये एक ऑर्गन होता है अपनी बॉडी का, स्पेशल ऑर्गन होता है जो धड़कता रहता है और अपने थोरेक्स में, अपने चेस्ट में दाई तरफ सिचुएटेड रहता है। कुछ लोगों के दिल दाई तरफ भी होता है, वो लाखों करोड़ों में एक के। हाँ, आपने सही बोला, वो एनोमली होती है जिसको हम डेक्स्ट्रोकार्डिया कहते हैं, वो लेस देन 1% पॉपुलेशन में पाया जाता है जी। तो डॉक्टर साहब, दिल करता क्या है? वो काम तो करता नहीं जिसका जिक्र गानों में होता है, लेकिन वास्तव में शरीर में बायोलॉजिकली क्या करता है वो? देखो, दिल का जिक्र गानों में भी अपने हिसाब से होता है, वहाँ इमोशनल चीज़ें होती है, और जो दिल अपने शरीर के लिए काम करता है वो फिजियोलॉजिकल चीज़ें होती है। हाँ, वो क्या करता है दिल? हार्ट जो होता है वो अपने बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को प्रवाहित करता है, पंप करता है, पंप करता है, प्रवाहित करता है। ये 70 से लेकर 100 बार धड़कता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है एक मिनट में 70 से लेकर 100 बार तक धड़कता है, और उस पंपिंग से अपने पूरे शरीर में ब्लड का संचार होता है, चाहे वो ब्रेन हो, चाहे लीवर हो, चाहे आंखें हो, चाहे किडनी हो, चाहे अपनी हाथ हो, चाहे पांव हो, उनको खुराक की जरूरत पड़ती है, और वो खुराक अपन को ब्लड से ही मिलती है, और ब्लड को संकुचित करने के लिए हृदय ब्लड को प्रवाहित करने के लिए हृदय संकुचित करता है जी। तो ये जो बार बार पंप करता है, तो पंप करके वो खून को फेंकता है, और मैं समझता हूँ जिस अंग में खून नहीं जाएगा वो फिर अपंग हो जाएगा, शायद वो काम करना कम कर देगा या बंद कर देगा, मैं ऐसा समझता हूँ। इसलिए आँख में, कान में, नाक में, दिमाग में, सब जगह खून का जाना जरूरी, और खून नहीं जाएगा तो वो अंग काम कम करेगा या बंद कर देगा, और उसको खून को भेजने का काम, स्पीड देने का काम, पंप करने का काम दिल करता है, और ये दिल धड़कता है एक मिनट में 70 बार 100 बार, और कभी धड़कन बढ़ जाती है, हम कहते हैं ना किसी देख के धड़कन बढ़ गई, कोई घटना हो गई, अचंभा हो गया किसी बात को, तो धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ गई, तो हार्ट बीट बढ़ती है तो वो पंप ज़्यादा करने लगता खून। तो क्या डॉक्टर साहब, हार्ट बीट बढ़ती है तो बीपी बढ़ जाता है क्या इससे? देखो, अपना जो हार्ट है वो 70 से 100 बार धड़कता है जो मैंने आपको बताया जी, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है, कुछ फिजियोलॉजिकल परिस्थितियाँ होती है, कुछ एबनॉर्मल परिस्थितियाँ होती है। फिजियोलॉजिकल परिस्थितियाँ जैसे आपने जिक्र किया कि कोई डर लगता है, जैसे अपन को कोई अशुभ घटना
याद हो जाती है, अपने को ऐसा समाचार मिलता है या अपन डर में रहते हैं उस टाइम में, अचानक कोई चीख सुन ले, अचानक कोई हल्ला हो जाए, घटना घटित हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अपने फैमिली में कोई अनहोनी हो जाए या और भी कोई चीजें, धड़कन बढ़ जाती है, धड़कन बढ़ जाती है। और वो धड़कन इसलिए बढ़ती है कि अपनी बॉडी में एड्रेनल हार्मोन होता है, ये एड्रेनल हार्मोन अपने हार्ट की धड़कन बढ़ाता है और उस समय ये एबनॉर्मल नहीं होती है, दिस इज अ फिजियोलॉजिकल, ये फिजियोलॉजिकल चीज होती है। लेकिन जब अपने हार्ट में प्रॉब्लम होती है या ब्लड अपने कम होता है उस समय भी हार्ट की धड़कन बढ़ती है, जैसे ब्लॉकेज होता है तो उस समय हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट का पावर कम हो जाता है, पंप कम हो जाता है, तो हार्ट की धड़कन अपने ब्लड को कंपनसेट करने के लिए, उसको कॉन्ट्रैक्शन को कंपनसेट करने के लिए बढ़ जाती है। कभी कभार जैसे अपने 5 लीटर ब्लड औसत, अमूमन अपन मानते हैं कि बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है, लेकिन किसी को एनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो उसमें काम तो पूरा सर्कुलेशन तो पूरी बॉडी में चाहिए अपन को, ब्लड को खुराक तो चाहिए अपन को पूरी बॉडी को, तो 3 लीटर से काम चलाने के लिए अपने हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उस समय धड़कन ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दिल फेंकता है खून को, तो इस दिल को एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये क्यों धड़कता रहता है और क्यों धड़कना बंद हो जाता है जब आदमी मरता, तो क्या वजह होती है? देखो अपने दिल की मैं कुछ संरचना बताना चाहता हूँ, एनाटोमी बताना चाहता हूँ। अपने दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 2 छोटे चैम्बर होते हैं जिसको अलिंद बोलते हैं और 2 बड़े चैम्बर होते हैं जिसको निलय बोलते हैं। इसको इस हिसाब से भी डिवाइड कर सकते हैं कि 2 दाएं तरफ होते हैं और 2 बाएं तरफ होते हैं। बचपन में स्कूल में पढ़ा था हमने, दायां अलिंद और बायां निलय, बायां अलिंद। जी जी बिल्कुल, बहुत छोटे से थे जब पढ़ा था। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इन चैम्बर्स के बीच में वाल्व होते हैं जी। अपना ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वन वे सिस्टम होता है, जैसे दाएं तरफ अपने हार्ट में अशुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है और वो अशुद्ध ब्लड यहाँ से निकल के फेफड़ों में जाता है, वहाँ से शुद्ध होके वापस बाएं तरफ हार्ट में आता है, और बाएं तरफ जो बायां वेंट्रिकल होता है, बायां निलय होता है, वो उसको संकुचित करता है और पूरी बॉडी में ब्लड को प्रवाहित करता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन से प्रवाहित होता है। तो आपने पूछा कि हृदय को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जैसा कि अपने दिमाग को, लीवर को, किडनी को ब्लड से ही एनर्जी मिलती है, वैसे ही अपने हृदय को भी, इसमें धमनियाँ होती है जिनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, और वो कोरोनरी आर्टरीज अपने मायोकार्डियम में जाती है और वहाँ उस ब्लड से ही इसको एनर्जी मिलती है। डॉक्टर साहब कुछ लोगों के बचपन से छेद होता है दिल के अंदर, ये क्या बीमारी होती है, कैसे इसका उपाय हो सकता है? देखो हृदय में बहुत तरह की बीमारियाँ होती है, कुछ होती है जन्मजात, कंजनाइटल बीमारियाँ, जैसा आपने बताया कि पर्दे में छेद, अपने जैसे दाएं और बाएं तरफ के हृदय होता है, छोटा पर्दा होता है और बड़ा पर्दा होता है, 2 एट्रियम के बीच में जो पर्दा होता है उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, और 2 वेंट्रिकल के बीच में जो पर्दा होता है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। अगर अपने छोटे पर्दे में छेद होता है तो उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और अगर बड़ा पर्दा जो वेंट्रिकल के बीच में पर्दा होता है उसमें छेद होता है तो उसको वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और एक चीज़ होती है जो अपने महाधमनी होती है, अवोर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, अगर उन दोनों के बीच में जो पाइप होता है, ट्यूब होती है जिसको डक्टस आर्टरियोसस बोलते हैं, अगर ये बंद नहीं होती है, आमतौर पे अपना जो भ्रूण होता है, भ्रूण में हृदय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, भ्रूण का हृदय साइलेंट होता है लेकिन उसको एनर्जी अपने माता से मिलती है और वो पीडीए डक्टस जो होता है उसमें वहाँ से उसके फेफड़े काम नहीं करते, फेफड़े निसंकुचित होते हैं, तो जो माता का ब्लड होता है वही उसके हार्ट में जाके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो डक्टस होता है। अगर इनमें परमानेंटली छेद हो जाता है, जन्मजात से छेद होता है, उनको हम हार्ट का छेद बोलते हैं, जैसे एट्रियल सेप्टम बोलते हैं, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं और पेटेंट डक्टस आर्टरीज बोलते हैं। तो ये जन्मजात बीमारियाँ होती है कुछ, जो बचपन से ही बच्चों में पाई जाती है। इनका इलाज क्या? इनका इलाज ऑपरेशन जरूरी है या उसके बिना भी जिंदगी नॉर्मल लाइफ जी सकता है छेद हो तो भी? नहीं, नॉर्मली क्या होता है, जो डक्टस आर्टरीज होता है जिसको अपन वो बोलते हैं नाभि से निकल के जाती चीज, उसको अपन काट देते हैं और वो यूजुअली 48 आवर्स के बाद में बंद हो जाती है जी। अगर वो बंद नहीं होती तो उसको पेटेंट डक्टस आर्टरीज बोलते हैं, और अगर वो बड़ी होती है तो उसमें 2 तरह की इलाज होता है, एक तो उसमें छतरी बिठाई जाती है और नहीं तो उसमें सर्जरी की जाती है, एक ट्रीटमेंट तो ये हो गया। दूसरा छोटे पर्दे में जो छेद होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, उसमें भी 2 तरह का ट्रीटमेंट होता है, या तो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट
उसमें छतरी बिठा देता है, डिवाइस क्लोजर होता है या फिर उसमें सर्जरी की जाती है। और तीसरा जो वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है उसमें भी दो तरह का ट्रीटमेंट होता है, दवाइयों से इलाज नहीं होता है। यूजुअली हम बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम में देखते हैं कि उसकी बॉडी इन छेद को कितने समय तक टॉलरेट कर सकती है। तो अगर कुछ बच्चों में छेद बड़े होते हैं तो उनको तुरंत या तो डिवाइस क्लोजर एडवाइज करते हैं या फिर हम सर्जरी की सलाह देते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में सर्जरी बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए उनको ऑब्जर्व करते हैं और डिवाइस क्लोजर हम उनको एडवाइज करते हैं। पता कैसे लगता है कि दिल में छेद है बच्चे के? जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। जैसे ग्रो करता है तो अपनी एक्टिविटीज बढ़ाता है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, कभी कभार नीला पड़ जाता है, तो माता को पता चल जाता है कि भाई मेरे बच्चे को खांसी आ रही है, जल्दी थक जाता है, वो स्तनपान नहीं कर पाता है, तो उस समय वो पेरेंट्स डॉक्टर्स को दिखाते और डॉक्टर जब इको एडवाइज करता है तो इसका डायग्नोसिस, इन छेद का डायग्नोसिस इको के माध्यम से होता है। जी डॉक्टर साहब, एक ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, वो क्या होती है कोरोनरी हार्ट डिजीज? बहुत नाम सुनते हैं। ये जो अपन अभी तक डिस्कस किया ये बच्चों की जन्मजात बीमारी थी, और जन्मजात बीमारी दूसरी तरह की भी होती है, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलोर्स होती है, उसकी सर्जरी करवाने से इलाज हो जाता है। अब होती है जन्म से अपना हृदय बिल्कुल स्वस्थ होता है और वातावरण में आके जो बीमारियां हो जाती है वो एक्वायर्ड हार्ट डिजीज बोलते हैं। जी हाँ, एक्वायर्ड हार्ट डिजीज में सबसे पहले कॉमन होती है ब्लड प्रेशर। जी, हाई ब्लड प्रेशर। आज आप भी देखते हो अनिल जी कि हर आदमी स्ट्रेस में रहता है, किसी न किसी को ब्लड प्रेशर रहता है, तो ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है और इसका इलाज दवाई के माध्यम से अमूमन बहुत बढ़िया इलाज होता है, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होती है और इलाज पॉसिबल होता है। दूसरी एक्वायर्ड जो बीमारी आपने अभी जिक्र किया, बीच में रखूँ मैं आपको, ब्लड प्रेशर जो जिसकी बात हम कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर अपने आप में कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई जीवाणु विषाणु होता हो। ब्लड प्रेशर भी एक लाइफस्टाइल बीमारी है मेरे हिसाब से। तो वो लाइफस्टाइल बीमारी, कई बार आपने नमक ज़्यादा खा लिया ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कॉफ़ी पी लेते हो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो क्या हार्ट में भी कहीं पे कोई वो नली छोटी हो जाती है कॉरनरी, तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसा भी होता है? हार्ट की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है क्या? ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन हम बोलते हैं जी, ब्लड प्रेशर का 90% केसेस में तो कोई कारण पता नहीं चलता जी, लेकिन 10% केसेस में उसका कोई कारण होता है, जैसे कि अपने गुर्दे की धमनी होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, आपको एंडोक्राइन ट्यूमर होता है, फियोक्रोमोसाइटोमा, पिट्यूटरी के ट्यूमर हो जाते हैं, कुशिंग सिंड्रोम हो जाते हैं, तो 10% केसेस में कोई कारण होता है, उस कारण को हम ठीक कर देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक। लेकिन 90% केसेस में जैसे आपने बताया कि ये लाइफस्टाइल डिजीज होती है, इसमें स्ट्रेस इंपॉर्टेंट होता है, बहुत बार अपनी धमनियाँ जो होती है उनमें स्टिफनेस आ जाती है, उस स्टिफनेस की वजह से भी ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। और नमक खाना और कम खाना वो इसका ट्रीटमेंट है, इसका कारण नहीं है। कारण तो इसका अपनी जो अनुवंशिकता होती है उससे भी रिलेटेड होता है, बहुत बार किसी एज में जाके पर्सन को स्ट्रेस होता है या जॉब का ज़्यादा भार होता है तो उनको भी ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये जो नमक की थ्योरी है ब्लड प्रेशर के साथ में, एक कारण नहीं है इसके। अपन जब बीपी हो जाता है किसी को तो नमक कम करने के लिए बोलते हैं, वो उसका निवारण है जी। जी, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या होती है और कैसे पता लगती है कि यह हो गई है किसी को? कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी शब्द होता है अपने जो हृदय की धमनियाँ होती है, हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, उनको कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। जो अमूमन ब्लॉकेजेज वाली बात होती है वो कोरोनरी हार्ट डिजीज ही होती है। इस्केमिक हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक आना, अंजाइना, अनस्टेबल अंजाइना, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड होती है। अपने हृदय में हार्ट की धमनियों को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं, कोरोनरीज बोलते हैं। अपने लेफ्ट हृदय के बाएं हिस्से में दो धमनियाँ होती है, लेफ्ट एंट्री डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी, और राइट साइड के हिस्से में राइट कोरोनरी आर्टरीज होती है। तो इनमें जब कोई ब्लॉकेज आता है तो हृदय में खून की सप्लाई कम पहुंचती है, मायोकार्डियम में खून की सप्लाई कम पहुंचती है। क्या वजह, क्या चीज आ जाती है वो? ब्लॉकेजेस के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे अपन कोरोनरी आर्टरी डिजीज के चार मेजर रिस्क फैक्टर मानते हैं। सबसे पहला स्मोकिंग, दूसरा हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, तीसरा डायबिटीज इंपॉर्टेंट, और चौथा आपके क्या नाम डिसलिपिडीमिया, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होती है। ये चार मेजर रिस्क फैक्टर होते हैं हार्ट अटैक के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के। इसके अलावा बहुत सारे माइनर रिस्क फैक्टर भी होते हैं,
जैसे अनुवंशिकता हो गई, ओबेसिटी हो गई, आप घूमते फिरते नहीं हो, बहुत पैदल नहीं चलते हो, पैदल नहीं चलते हो, आप खाना बहुत तला हुआ खाते हो, भुना हुआ खाते हो, ये सारी चीज़ें माइनर रिस्क फैक्टर में आती है। तो अगर जिसको चार मेजर रिस्क फैक्टर में डायबिटीज़ है या स्मोकिंग करता है तो उसको ये बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है। जिसमें आनुवंशिकता होती है, जिनके पेरेंट्स को होती है, ब्रदर को होती है, सिस्टर को होती है, तो उन लोगों में भी ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज ब्लॉकेज होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये जो कोलेस्ट्रॉल वाली बात है, कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? क्योंकि सामान्यतः ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसके कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है वो चिंता करता है, बाकी लोग चिंता नहीं करते कि हार्ट में डिजीज हो सकती है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ावा होने से क्या वजह होती है? कोलेस्ट्रॉल जम जाता है खून में से, उसकी वजह से धमनी, तो कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए कि इसके बाद ऊपर होने पर हम चिंता करें और उसको घटाने की कोशिश करें, और कैसे घटा सकते हैं? हाई कोलेस्ट्रॉल, जिसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, वो भी एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। जैसे मैंने चार रिस्क फैक्टर बताए, उनमें से एक मेजर रिस्क फैक्टर होता है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आप तला भुना खाते हो तो कोलेस्ट्रॉल नेचुरली बढ़ेगा। अगर आप बैठे रहते हो, काम काज नहीं करते हो, लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते हो, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें आनुवंशिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं तो उसमें चार पांच फैक्टर होते हैं लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल के। कुछ अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं और कुछ बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जैसे आपने पूछा कि कितना होना चाहिए, लेस देन 70 की मात्रा हम इसमें डिसाइड करते हैं। अगर लेस देन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है तो ये आपके लिए अच्छी बात है। अमूमन ये कोलेस्ट्रॉल लोगों में 100 से ऊपर ही पाया जाता है। दूसरा ट्राइग्लिसराइड होता है, जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा होती है वो लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हम अच्छी मानते हैं। आमतौर पे जो हम कोलेस्ट्रॉल की धारणा होती है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को लेकर चलते हैं आदमी। अगर ये लेस देन 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है तो अच्छी बात होती है। अगर 150 मिलीग्राम से ज़्यादा होता है तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट के ब्लॉकेजेज, एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा आती है। डॉक्टर साहब, ये जब हो जाता है मान लो एक मिनट के लिए, तो पता कैसे लगता है कि आपको ये आपकी धमनी में रुकावट आ गई है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है? 3D 2D से करते हैं या एंजियोग्राफी करते हैं, क्या करते हैं इससे पता लगता है? इसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज को, इश्केमिक हार्ट डिजीज को पता करने के लिए कुछ सिस्टम्स होते हैं। जिन लोगों को ये तकलीफ होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास में आते हैं, उनको बोलते हैं सिम्टम्स, जैसे चेस्ट पेन होना, थकावट होना, सांस का फूलना, बाएं बाजू में दर्द होना, बाएं तरफ छाती में दर्द होना, गले में दर्द होना, और इनके साथ साथ में उसको थकावट काफ़ी होती है। तो इसका सिम्टम्स के बाद में फिर हम पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं, उसका ECG करते हैं। आमतौर पे ECG पेशेंट्स में नॉर्मल आती है। जिन लोगों को हार्ट अटैक होता है उनमें ECG इवन 50% लोगों में नॉर्मल आती है। साधारणतः ECG करने के बाद में हम 2D इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, ब्लड के टेस्ट जैसे कोलेस्ट्रॉल की जांच करते हैं। 2D इको भी अगर नॉर्मल आती है तो फिर एक टेस्ट होता है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT। अगर हम TMT करते हैं और किसी की TMT नॉर्मल आती है तो उसको दवाई लिख के ही हम घर भेज देते हैं। अगर TMT पॉजिटिव आती है तो उससे भी डरने की बात नहीं है आपको, लेकिन TMT एबनॉर्मल पॉजिटिव आने पे आगे का जो टेस्ट होता है वो आपको आपका डॉक्टर एंजियोग्राफी एडवाइज करेगा। TMT पॉजिटिव अगर 100 पेशेंट्स की हम एंजियोग्राफी करते हैं तो उसमें 80 पेशेंट्स को तो ब्लॉक निकलने की संभावना होती है, लेकिन जो रिमेनिंग 20% केसेज हैं उनको हो सकता है नॉर्मल एंजियोग्राफी निकलती है। तो TMT पॉजिटिव आने के बाद में आपको किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए कि आपको ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके ब्लॉकेजेस बनना ही चालू हो, लेस देन 70% हो, तो उन केसेस में भी TMT पॉजिटिव आ जाती है। तो सबसे पहले ECG करते हैं, फिर इकोकार्डियोग्राफी करते हैं, फिर TMT करते हैं। अगर TMT नेगेटिव आता है तो कुछ दवाई लिख के आपको फॉलोअप में बुला लेते हैं। अगर TMT पॉजिटिव आता है तो फिर हम एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी दो तरह से की जाती है। पहले एंशियंट टाइप में एंजियोग्राफी जांघ की धमनी से की जाती थी, उसको ट्रांसफ्यूमरल एंजियोग्राफी बोलते थे। वहाँ पे धमनी में छोटा सा पंक्चर करते थे, वहाँ से कैथेटर निकाल के अपने हार्ट की धमनियों तक लेके जाते थे और वहाँ पे डाई डाल के उसकी फोटोग्राफी कर लेते हैं और CD बना लेते हैं, उसको ट्रांसफ्यूमरल एंजियोग्राफी कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसी एंजियोग्राफी के दौरान ही आप इलाज भी कर लेते हैं, अगर पता लगता है स्टंट डालना है तो हाँ उसी डाल सकते हैं। उसी पे मैं आ रहा हूँ। और दूसरी टेक्निक होती है जो हाथ की धमनी नॉन एंजियोग्राफी बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव कहते हैं। ये नॉन इन्वेजिव नहीं, ये भी इन्वेजिव है। अच्छा, ये भी इन्वेजिव है। इसको ट्रांस रेडियल और रेडियल एंजियोग्राफी बोलते हैं। इसमें भी यहाँ पंक्चर करते हैं
और फिर कैथेटर ले जाके हार्ट की धमनियों तक लेके जाते हैं और उसमें डाई डाल डाल के उसमें फोटोग्राफी करके सीडी बना लेते हैं जी। अब आप बोलते हो कि एंजियोग्राफी के टाइम में ही एंजियोप्लास्टी कर देते हैं या स्टेंट डाल देते हैं, ये कोई मिथ्या है, ये धारणा गलत है। आदमी एंजियोग्राफी क्यों करवाता है? एंजियोग्राफी तभी करवाता है जब उसको कोई तकलीफ होती है। आम आदमी तो एंजियोग्राफी नहीं करवाता है। अगर आदमी एंजियोग्राफी जिसका पॉजिटिव टीएमटी एंजियोग्राफी करवाता है और उसमें ब्लॉकेजेस नहीं निकलते तो डॉक्टर कहाँ से आपको स्टेंट डालेगा? अगर ब्लॉकेजेस नहीं तो स्टेंट डाल ही नहीं सकता और डालना भी नहीं चाहिए, क्यों डालेगा स्टेंट? नहीं पर डाल सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। अगर ब्लॉकेजेस आपके 70% से ज्यादा है जी तो फैमिली विलिंग होती है, फैमिली की कंसेंट के बाद में ही डॉक्टर स्टेंट लगाता है उसमें अगर जरूरत होती है। नॉर्मली अगर नॉर्मल निकलती है आपकी एंजियोग्राफी तो उसमें स्टेंट नहीं डाला जाता है। देखा जाता है कि रात को आपको 12 बजे कोई पेशेंट चेस्ट पेन करके आता है तो जो रात को 12 बजे जो पेशेंट आता है वो पेशेंट को निश्चित रूप से हार्ट अटैक का पेशेंट ही आता है और हार्ट अटैक का पेशेंट वहाँ पे डायग्नोसिस करवाने के लिए नहीं आता है, हार्ट अटैक का पेशेंट इलाज करवाने के लिए आता है। तो अगर उसकी एंजियोग्राफी जब की जाती है हार्ट अटैक के पेशेंट की तो उसकी कोई न कोई धमनी ब्लॉक मिलती है और वो ब्लॉक 100% मिलती है। अगर 100% धमनी का इलाज नहीं किया जाएगा, 100% धमनी का इलाज केवल और केवल उस समय रात को एंजियोप्लास्टी होती है, तो जो आम धारणा बनी होती है कि एंजियोग्राफी के समय एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है वो हार्ट अटैक के पेशेंट में जिनमें 100% ब्लॉक होता है उन पेशेंट को एंजियोग्राफी के टाइम में डॉक्टर एडवाइज करता है कि भाई आपकी एंजियोप्लास्टी करने की जरूरत है, फैमिली विलिंग होती है तो उसकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है। अगर हार्ट अटैक में आप लक्की हो, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें क्लॉट डिजोल्व हो जाता है तो उस टाइम में एंजियोग्राफी अगर नॉर्मल निकलती है तो उन पेशेंट्स में भी स्टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये एंजियोप्लास्टी अलग चीज है, स्टेंट लगाना अलग चीज है? एंजियोप्लास्टी जैसे एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक टेक्निक है, एंजियोग्राफी जांच करने की विधि है, तो इलाज करने की जो विधि होती है, स्टेंट डालने की विधि होती है उसको एंजियोप्लास्टी कहते हैं। जो बैलून प्लास्टी है कोई अलग चीज होती है? वो अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। एंजियोग्राफी अपन तार कोरोनरी आर्टरी के माउथ तक लेके जाते हैं और उसमें से इंजेक्शन डाई डाल डाल के ले लेते हैं। जब इलाज करना होता है तो मोटी साइज का कैथेटर लेके जाते हैं, कोरोनरी आर्टरी की धमनी जो ओस्टियम होता है वहाँ तक लेके जाते हैं, उसमें से फिर एक तार उसके धमनी के अंदर और जो ब्लॉक होता है उसके आर पार लेके जाते हैं और उस धमनी उस तार के ऊपर से एक फुग्गा नुमा वस्तु होती है जिसको बलून बोलते हैं, गुब्बारा बोलते हैं, फुग्गा बोलते हैं जी। उस फुग्गे को उस ब्लॉक के अक्रॉस उसके वहां पे लेके जाते हैं और उसको फुलाते हैं। उस फुग्गे का काम होता है, उस बलून का काम होता है कि जो आपका ब्लॉक है जहां पे बैड कोलेस्ट्रॉल जम गया, जहां पे क्लॉट जम गया, उसको हटाता है, रास्ता बनाता है और उस बलून को वापस बाहर निकाल लेते हैं। जब रास्ता बन जाता है तब उसमें स्टेनलेस स्टील की मेटल की जो धातु बनी होती है, जो अपने बॉल पेन की स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग नुमा जिसको छल्ला बोलते हैं, उस छल्ले को उस पे लेके जाते हैं ब्लॉक पे जो ऑलरेडी हम बलून से डायलेट कर चुके, बलून से चौड़ा कर चुके, और वहाँ पे उस छल्ले को बिठा देते हैं। इसको बोलते हैं स्टेंटिंग और जो बलून से चौड़ा करते हैं उसको बोलते हैं बलूनिंग। बलूनिंग जी हाँ। डॉक्टर साहब ये जो कहते हैं कि एक दो धमनियाँ ब्लॉक थी, किसी की एक ब्लॉक थी, चार, कितनी धमनियाँ होती हैं ऐसी दिल में और जो ब्लॉक हो जाती हैं? कैसे दो तो पूरी ब्लॉक थी, एक आधी ब्लॉक थी, ऐसे कई आम आदमी के बीच में चर्चा में आती बात इस तरह की, तो कितनी धमनियाँ होती हैं और कितने परसेंट होने तक रिस्क नहीं है, क्या इस बारे में थोड़ा सा? अपने हार्ट में जैसा मैंने बताया कि तीन धमनियाँ होती है, दो बाएँ तरफ होती है और एक दाएँ तरफ होती है। अगर इन धमनी में किसी में भी ब्लॉक 70% से कम है, स्टेनोसिस परसेंटेज ऑफ स्टेनोसिस 70% है, तो उसमें किसी तरह का कोई इलाज लेने की जरूरत नहीं है आपको, ना तो एंजियोप्लास्टी करवाने की जरूरत है ना बाईपास करवाने की जरूरत है। हाँ, केवल आपको खून पतला करने की दवाई लेने की जरूरत है और कोलेस्ट्रॉल आपका कम करने की दवाई लेने की जरूरत है। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जरूरत है, डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से मेरे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट्स को अपनी लाइफस्टाइल जरूर मॉडिफाई करनी चाहिए। अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग बंद करनी चाहिए और उसी दिन से आपको प्रण करना चाहिए, एक वचन करना चाहिए कि मैं 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रोज सुबह घूमूंगा
और इतना घूमने के बाद में फिर दवाइयों का सेवन करना चाहिए। ये तो रही बात जिनको लेस देन 70% ब्लॉकेज होता है। पैदल घूमें या साइकिल चलाएं? साइकिल चलाएं तो बेस्ट होती है। साइकिलिंग और स्विमिंग हार्ट के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज होती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब जयपुर में रहते हैं। डॉक्टर साहब का गाँव कितने किलोमीटर दूर? डॉक्टर साहब 80 किलोमीटर दूर है, सोडा विलेज है। सोडा विलेज, और डॉक्टर साहब यहाँ से साइकिल चलाकर गए थे वोट डालने के लिए और वोट डालकर आए। डॉक्टर साहब इस बात के लिए आपका इस्तकबाल करते हैं हम। धन्यवाद। वोट डालने की आपकी जो एक आपका कमिटमेंट है जिस शिद्दत के साथ आपने किया, लेकिन साइकिल पे जाके वोट डाला, और ये एक मैसेज है शायद सारे लोगों को जिनको दिल का रोग है या दिल का रोग हो सकता है मोटे लोगों को, कि ये जो लाइफ स्टाइल है इसको अगर इस तरह ढाल दें तो शायद उनको कभी आपके पास आने की जरूरत ना पड़े। जी डॉक्टर साहब, तो वे बात चली थी कितनी धमनियाँ होती हैं, जो ये 3 बंद थी 2 खुली थी, इस तरह की गणित करते रहते हैं लोग जी। अगर 70% से ज़्यादा ब्लॉक है और एक ही धमनी में ब्लॉक है तो नेचुरली उसका इलाज आपको एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ही डॉक्टर एडवाइज करता है। अगर आपकी तीनों ब्लॉक है धमनियाँ और वो मोर देन 70% है तो उसमें दो तरह के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि भाई आपको बाईपास सर्जरी नहीं करवाएं, एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग से काम हो सकता है। और दूसरा ऐसा है कि ब्लॉकेजेस के टाइम में कैल्शियम बहुत डिपॉजिट है, एंगुलेशन पे है, बाइफर्केशन है, तो उस समय आपको तीनों आर्टरीज में ब्लॉकेज होने पे बाईपास की सलाह भी दी जाती है। तो ऐसे केसेस में जिसमें तीनों धमनियां ब्लॉक होती है और ब्लॉकेजेस का एंजियोप्लास्टी से समाधान नहीं हो सकता है और ब्लॉकेजेस बाइफर्केशन पे है, कैल्शियम जमा हुआ है, एंगुलेशन ज़्यादा है, ब्लॉकेजेस बड़े बड़े हैं, तो उसमें फिर बाईपास की आपको सलाह दी जाती है। ये इसको ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी पहले तो यही प्रसिद्ध थी कि दिल पे चीरा लगेगा और इतना बड़ा होगा, बहुत डरते भी थे लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी। भाई बाईपास सर्जरी 1966 से आई है और एंजियोप्लास्टी आई है 1977 से जी। तो पहले शुरू में जो विधि थी वो एंजियोप्लास्टी की केवल बलूनिंग से विधि थी। 90s में स्टेंट आया तो उसके बाद में स्टेंटिंग लगाना चालू कर दिया और 2000 से दोनों कंपेरेबल रिजल्ट्स हैं। बाईपास के भी रिजल्ट अच्छे हैं और एंजियोप्लास्टी के रिजल्ट भी अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स, जैसे आपने पूछा कि बाईपास ही करवाना चाहिए, एक धमनी होती है अपनी लेफ्ट मेन आर्टरी, बाईं तरफ की मुख्य धमनी, अगर उसमें 50% से ज़्यादा ब्लॉक होता है, क्योंकि वो धमनी मेजर धमनी होती है और दो में डिवाइड होती है, तो अगर उसमें 50% से ज़्यादा ब्लॉक होता है तो वहाँ पे हम फर्स्ट ऑप्शन बाईपास सर्जरी का रखते हैं। और बाईपास अगर कुछ पेशेंट्स नहीं करवाना चाहते हैं और करवा पाते हैं तो उसमें एंजियोप्लास्टी सेकेंड ऑप्शन पर रखते हैं। तो ये जो बाईं तरफ की धमनी होती है, लेफ्ट मेन स्टेनोसिस बोलते हैं, उसमें क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। नॉर्मल जो अपनी एलएडी सर्कमफ्लेक्स और आरसी होती है उसमें क्राइटेरिया 70% का होता है, लेकिन जो लेफ्ट मैन होती है उसमें 50% का होता है क्राइटेरिया। डॉक्टर साहब, ये जो बाईपास सर्जरी करते हैं इसमें क्या दूसरी धमनी लगा देते हैं बाईपास बना के कोई, या क्या करते हैं? बाईपास को ओपन हार्ट सर्जरी भी बोलते हैं। इसमें जैसे अपन रोड पे बाईपास निकालते हैं वैसे ही इसका नाम बाईपास होता है, जहाँ ब्लॉक होता है उस ब्लॉक को बाईपास करके ब्लड सर्कुलेशन दूसरे रास्ते से, दूसरी धमनी से, अमूमन पैर की धमनी होती है, पैर की वेन होती है, उसको निकालते हैं या उसको लगा देते हैं, या अपने गले की धमनी होती है मेमोरी आर्टरी, उस मेमोरी आर्टरी को मेमोरी आर्टरी से उस ब्लॉक को बाईपास कर देते हैं। तो बाईपास में कोई धमनी या वेन बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होती है। अपने बाईपास में वेन भी अपने पैर की होती है और धमनी भी अपने चेस्ट की होती है, लेकिन स्टेंट अपने बॉडी में नहीं बनता, स्टेंट तो मार्केट से लेना पड़ता है, फॉरेन चीज है। या इसको लोगों को इस तरह समझाना चाहता हूँ कि शहर में जब बहुत भीड़ हो जाती है तो लोग बाईपास निकाल देते हैं, फिर कहते हैं यार अभी शहर के अंदर से कौन निकले, नहीं निकल पाएंगे, देर लगेगी, टाइम लगेगा, या नहीं निकल पाएंगे, भीड़ है, जुलूस निकल रहा है, बाईपास से चलते हैं। बिल्कुल, वो बाईपास ये हार्ट के खून के लिए बाईपास बना जाता है। सेम नॉमिनोलॉजी। डॉक्टर साहब, आम आदमी को समझने के लिए आसान रहती है बात। डॉक्टर साहब, बस एक मिनट में हम फिर ब्रेक लेना चाहते हैं, लेकिन नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी ये नई चीज आई है, मैंने सुना है कि इसमें हार नहीं डालना पड़ता, एक केमिकल डाल देते हैं और उसके बाद सिर्फ केमिकल और उससे फोटो खींच के और फिर लगाते हैं हार्ट में कोई बीमारी है नहीं है। नॉन इन्वेजिव जो टेक्निक होती है वो सीटी एंजियोग्राफी की टेक्निक होती है। इसमें क्या होता है कि अपनी हाथ की वेन से कॉन्ट्रास्ट जो डाई होती है वो यहाँ से इंजेक्ट करते हैं और वो डाई अपने हार्ट की धमनियों तक पहुँचती है और उस टाइम में सीटी स्कैन कर लिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है, नॉन इन्वेजिव है, इसमें तार डालने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी, इसकी जो निश्चितता है
वो केवल 70% आंकी गई है। 30% केसेस में ये फॉल्स रिजल्ट, झूठे रिजल्ट इसमें पता चलते हैं। जैसे ये टेक्निक आपको बता देती है कि आपको ब्लॉकेजेज हैं, लेकिन जब उस ब्लॉक को वेरीफाई कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से करते हैं तो वहाँ ब्लॉक नहीं मिलता है। और बहुत बार ये बोलती है कि आपको ब्लॉकेजेज नहीं है, और जब कन्वेंशनल एंजियोग्राफी करते हैं तो वहाँ ब्लॉकेजेज मिलता है। तो ऐसे 30% केसेस 100% श्योर नहीं है ये तकनीक। बस इसमें ये कि आपको तार डल रहा है और आप खुश हैं, बिल्कुल एक रसायन डाल दिया और आपकी सीटी स्कैन हो गई। जी जी।